हेलो, मैं हूं अव्वल। जब भी आप मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, हल्दीराम्स या किसी भी ऐसे रेस्टोरेंट जाते हो जहां लिखा होता है सेल्फ सर्विस, तो आप समझ जाते हो कि यहां ऑर्डर देने भी खुद ही जाना होगा और फिर काउंटर से खाना लेने भी खुद ही जाना होगा। इंग्लिश वर्ड सेल्फ का मतलब है खुद, और सेल्फ सर्विस का मतलब हुआ कि अपनी सर्विस, अपनी सेवा खुद ही करनी होगी। सेल्फ को इंग्लिश में कई जगह यूज किया जाता है, अलग अलग तरह से अलग अलग मीनिंग बनाते हुए यूज किया जाता है, और एक सबसे कॉमन वर्ड है सेल्फी, यानी खुद की ली हुई फोटो। कुछ और वर्ड्स देखते हैं। सेल्फिश यानी मतलबी होना, खुदगर्ज होना। सेल्फलेस, ये सेल्फिश का ऑपोजिट है, यानी निस्वार्थ होना, बेगर्ज होना। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद का काम करते होना, जैसे कि बिजनेस या प्रोफेशन, पर जॉब नहीं। सेल्फ ऑब्सेस्ड यानी खुद का ही भूत सवार होना, जो इंसान अपनी ही फोटोज खींचता रहे, अपने कपड़े, अपनी पर्सनैलिटी की ही बातें करता रहे, हम कहते हैं कि ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है। सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद से प्रमाणित, खुद की गवाही में, जैसे हम कहीं अपने एड्रेस प्रूफ की कॉपी देते हैं तो उस पर साइन करके देते हैं कि हाँ, ये मेरा ही एड्रेस प्रूफ है, यानी हम उसे सेल्फ अटेस्ट करके देते हैं। सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ाई करना। सेल्फ डिफेंस, खुद का बचाव, खुद की हिफाजत करना। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, खुददारी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा, आत्मविश्वास। अब सेल्फ का एक और इंपॉर्टेंट यूज समझते हैं। मान लो आपको ऑफिस में कोई कहता है कि आज रवि छुट्टी पर है, आप कहते हो नहीं, मैंने खुद देखा उसे। आप ऐसे भी तो कह सकते थे कि मैंने देखा उसे, आई सॉ हिम, पर आप अपनी बात में वजन डालते हुए, एम्फेसिस डालते हुए कहते हो कि मैंने खुद देखा उसे। यहां आप कहोगे आई माई सेल्फ सॉ हिम। एग्जाम में दोस्त पूछता है कि यार मुझे आंसर बता दे, और आप कहते हो मुझे खुद आंसर नहीं आता, आई माई सेल्फ डोंट नो द आंसर। आप किसी शादी में पहुंचते हो और आपको गेट पर एक दोस्त मिल जाता है जो पूछता है कि अंदर रिंग सेरेमनी हो चुकी है, आप कहते हो मैं खुद अभी आया, आई माई सेल्फ जस्ट केम। इसी तरह आप सामने वाले के लिए भी बोलते हो, उसे खुद नहीं पता कि उसे लाइफ में क्या करना है, यहां हम यूज करेंगे हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ डज नॉट नो व्हाट ही वांट्स टू डू इन लाइफ। श्रुति ने खुद देखा इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए, श्रुति हरसेल्फ सॉ द इंस्पेक्टर टेकिंग ब्राइब। जब इंसानों की बात नहीं होती, चीजों की बात होती है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली में ताजमहल कहां है, तो आप कहोगे ताजमहल तो आगरा में है, दिल्ली में तो है ही नहीं, ये तो सवाल ही गलत है। This question itself is wrong. आप अपने दोस्तों को कहते हो कि कल मैं कॉलेज नहीं आऊंगा, आप लोग मुझे अपने नोट्स दे देना। आपके दोस्त कहते हैं कि कल हम खुद नहीं आ रहे। अब यहां एक से ज्यादा लोगों की बात हुई है। We ourselves are not coming tomorrow. जब प्लूरल हो तो सेल्फ बन जाता है selves. आपको मम्मी पूछती है कि कल तुम मीटिंग में लेट थे तो ऑफिस वालों ने कुछ कहा तो नहीं, आप कहते हो वो खुद लेट थे, दे देमसेल्फ वर लेट। सो आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, इट इटसेल्फ, वी आरसेल्फ्स, दे देमसेल्फ्स। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। कुछ दिन पहले मैं किसी रिलेटिव की बर्थडे पार्टी पर गया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी केक बनाना सीख गई है, ये केक उसने खुद से बनाया है। खुद से मतलब बिना किसी हेल्प के, बिना किसी मदद या सहारे के, अकेले ही। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, ये केक उसने खुद से बनाया है, शी हैज मेड दिस केक बाय हरसेल्फ। आज मैंने खुद से कार चलाई, Today I drove the car by myself. बच्चा खाना खुद से नहीं खा सकता, The child can't eat by himself. इसी तरह कोई चीज अपने आप टूट जाती है, हम कहते हैं शीशा अपने आप टूट गया, यानी किसी ने तोड़ा नहीं, The glass broke by itself.
साइकिल अपने आप गिर गई, द साइकिल फेल बाय इटसेल्फ। या फिर मम्मी कहती है कि होमवर्क अपने आप से नहीं हो जाएगा, द होमवर्क विल नॉट गेट डन बाय इटसेल्फ। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के लास्ट पार्ट में सेल्फ से बने कुछ अलग अलग तरह के सेंटेंसेस देखते हैं। विनय ने खुद पर दूध गिरा लिया, खुद पर, ऑन हिमसेल्फ। विनय स्पिल्ड द मिल्क ऑन हिमसेल्फ। अपने आप में यकीन रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। ये कहानी अपने आप में एक मिसाल है, दिस स्टोरी इज एन एग्जाम्पल इन इटसेल्फ। आपका कॉम्पिटिशन खुद के साथ है, दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ, विद योर सेल्फ। योर कॉम्पिटिशन इज विद योर सेल्फ, नॉट विद अदर्स। मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, मैं खुद से खफा हूं, आई एम एंग्री विद माई सेल्फ। अब इस वीडियो का आखिरी सेंटेंस जो मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, अपने आप को कम मत समझो, डोंट कंसिडर योर सेल्फ एनी लेस। आपके लिए एक एक्सरसाइज है जो मैं हिंदी सेंटेंस बताने वाला हूं, आपने उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कमेंट में लिखनी है। और सेंटेंस है, मैंने चाय खुद से बना ली। आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार करूंगा। बेस्ट ऑफ लक।